इंदौर जिले के बेटवा नगर में मीठी बावड़ी बालाजी भक्त मंडल की ओर से नगर में हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान महावीर का जुलूस निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हनुमान मंदिर परिसर में पहुंचा, जिसमें नगर के हनुमान भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। हनुमान अष्टमी पर राजबाड़ा चौक स्थित मीठी बावड़ी हनुमान मंदिर से हनुमान जी महाराज नगर भ्रमण पर निकलेंगे। सुबह 6:30 बजे निकलने वाली इस प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में नगर के श्रद्धालु उपस्थित रहे। मीठी बावड़ी बालाजी भक्त मंडल के दूसरे वर्ष प्रभात फेरी में कर्नाटक की बाहुबली हनुमान की चलित झांकी, अश्व, ऊंट, ढोल, ताशे, गाजे बाजे, उज्जैनी की सुप्रसिद्ध भस्म रमैया मंडली और प्रसिद्ध भजन गायक द्वारका मंत्री सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां देते हुए नजर आए। इस अवसर पर मंदिर परिसर एवं प्रतिमा स्थल को फूल बंगला स्वरूप में सजाया जाएगा। वहीं इस आयोजन को लेकर हनुमान भक्त ने जानकारी देते हुए अपनी बात रखी। मीठी बावड़ी बालाजी भक्त मंडल के तत्वाधान में द्वितीय वर्ष प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। बेटमा की जनता ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, माता बहनों ने हिस्सा लिया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। और शाम को 4:30 बजे हमारा भंडारा रहेगा, जिसमें दाल वाफले चूरमे का आयोजन रहेगा। सभी धर्मप्रेमी जनता से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस आयोजन को सफल बनाएं। शाम से महाआरती का भी आयोजन रहेगा, इसमें भी पधारकर आयोजन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मीठी बावड़ी भक्त मंडल द्वारा हनुमान अष्टमी पे एक प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी के अंदर सभी बेटवा नगर के वासियों ने बड़े धूमधाम से हिस्सा लिया है और आज यह बड़ा हर्ष का विषय है कि आज शाम को दाल वाफले का भंडारा भी है। इस भंडारे के अंदर लगभग 15,000 से 20,000 लोगों का यह भंडारा आयोजित किया गया है और इस चल समारोह में एक हनुमान जी और त्रिनेत्र महादेव, भस्मार रमैया मंडल और बेटवा नगर के तमाम लोगों को शामिल हुए। इन सभी के लिए बेटवा नगर वासियों को और बेटमा के मिट्टी बावड़ी भक्त मंडल द्वारा सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय सियाराम। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हनुमान अष्टमी पर बेटमा नगर हनुमानमय दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, बेटमा।